सामायिक साधना जैनियों की पहचान प्रतिदिन सामायिक से कर्मों की निद्रा इंदुप्रभा जी मां सा पूज्य रूपचंद जी मां सा भक्तों के भगवान होकर जीवदया के प्रबल प्रेरक डॉक्टर दर्शन प्रभा जी गुरु द्वय पावन अष्ट दिवसीय जन्मोत्सव आओ जप तप सामायिक करे का दूसरा दिन भीलवाड़ा 25 अगस्त। प्रतिदिन सुबह उठकर सामायिक करने की भावना रखनी चाहिए। सामायिक साधना जैनियों की पहचान है और इसी से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। श्रवण हो या श्रावक सामायिक सभी को करनी चाहिए। वह पुण्यशाली व भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सामायिक करने का सुअवसर प्राप्त होता है। सामायिक करने से कर्मों की निद्रा होती है और अशुभ कर्मों का क्षय होता है। इससे इस भव और परभव दोनों की कमाई होती है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में शुक्रवार को रुद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमतीजी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने श्री अरिहंत विकास समिति के तत्वावधान में मृदर केसरी मिश्री मलजी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में अष्ट दिवसीय गुरु द्वय पावन जन्मोत्सव के दूसरे दिन धर्म सभा में व्यक्त किए। इस अवसर सामूहिक लोगस जाप के साथ 3 सामायिक की आराधना भी की गई। धर्म सभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने कहा कि कटुता व क्रूरता में धर्म का वास नहीं हो सकता। धर्म का वास सेवा व करुणा में होता है। कषायों से मुक्ति मिले बिना संकित की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभिमान हमारे मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है। कई बार धैर्य के अभाव में गलत निर्णय हो जाते हैं। उन्होंने लोकमान्य संत शेरे राजस्थान गुरुदेव रूपचंद जी मसा के गुणों की चर्चा करते हुए कहा कि वह ऊपर से जितने कठोर अंदर से उतने ही नर्म थे। अपने गुरु मृदर केसरी पूज्य मिश्री मलजी मसा को वह हमेशा माथे का सिरमौर कहते थे। जीवदया के प्रबल प्रेरक व जन जन के संत रूपचंद जी मसा की प्रेरणा व प्रयासों से उनकी जन्मभूमि नादोल सहित कई स्थानों पर पशुबलि की प्रथा बंद हुई और लाखों जीवों को अभयदान मिला। भक्तों के भगवान ऐसे गुरुदेव का परोक्ष रूप से आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। गुरु का गुणगान करने से भी कर्मों की निद्रा होती है। धर्मसभा में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा करते हुए कहा कि जब तक व्रती श्रावक नहीं बनेंगे तब तक भले कितना भी त्याग करें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमें खुला नहीं रहकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नियम स्वीकार करने होंगे। उन्होंने कहा कि इन 12 व्रत में से प्रथम 5 अनुव्रत है। व्रत संख्या 6 से 8 गुणव्रत है जिन्हें स्थूल रूप से ग्रहण करना है। ये गुणों में वृद्धि करते हैं। इसी तरह व्रत संख्या 9 से 12 तक शिक्षा देने वाले हैं। धर्मसभा में तरुण तपस्वी हिरल प्रभाजी ने गुरुदेव रूपचंद जी मां सा को भावागली के रूप में गीत गुरुव तो सबके गुरु व शीतलता के सरोवर है की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा एवं सेवाभावी साध्वी दीप्ति प्रभाजी मां सा का भी सानिध्य रहा। धर्मसभा में सुश्रावक रतन संचेती ने भी गुरु भक्ति से उत्कृष्ट रचना की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा गोखरू भी मौजूद रही। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर लक्की ड्रॉ के माध्यम से चयनित 11 भाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को पुरस्कृत किया गया। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुकलेचा ने बताया कि चातुर्मास के तहत प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। लोगस जाप के माध्यम से तीर्थंकरों की आराधना। अष्ट दिवसीय गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव के तहत शुक्रवार को सामूहिक लोगस जाप का आयोजन किया गया। जाप तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि लोगस पाठ में अनंत तीर्थंकरों की शक्ति व ऊर्जा समाई हुई है। विधि पूर्वक इसकी आराधना करें तो बहुत सी बीमारियों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आराधना साधना करनी है तो तीर्थंकरों की करो क्योंकि ये कभी निष्फल नहीं जाती है। जब भी जीवन में परेशानी महसूस हो तीर्थंकरों का आलंबन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगस पाठ के माध्यम से तीर्थंकरों की पावन एनर्जी मन में महसूस करें, हमारे पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होगा। इससे बढ़कर पावन व पावरफुल दूसरा कोई पाठ नहीं हो सकता। तीर्थंकर देते हुए दिखाई नहीं देते लेकिन हमें इतना दे जाते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते हैं। तीर्थंकर प्रसन्न है तो हमें और किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगस की आराधना के माध्यम से तीर्थंकरों की स्तुति करने से अशुभ कर्म क्षय होते हैं। लोगस के सामूहिक पाठ के माध्यम से सर्वमंगल की कामना एवं अरिहंत प्रभु सहित 24 तीर्थंकराने की आराधना की गई। रूप रजत विहार में प्रवाहित हो रही तप की गंगा। रूप रजत विहार में पहली बार हो रहे चातुर्मास में तपस्या की गंगा प्रवाहित हो रही है। शुक्रवार को सुश्राविका निर्मला मुरुरिया ने 9 उपवास के प्रत्याख्यान लिए तो सभागार हर्ष हर्ष जय जय और अनुमोदना के जयकारों से गूंज उठा। पूज्य महासाध्वी इंदु प्रभाजी ने तपस्वी के लिए मंगल कामना करते हुए प्रत्याख्यान प्रदान किए। गुरु द्वय पावन अष्ट दिवसीय जन्मोत्सव के तहत आयोजित सामूहिक तेला तप साधना कर रहे 100 से अधिक तपस्वी सुश्रावक सुश्राविकाओं शुक्रवार को बेला तप के प्रत्याख्यान लिए। इनमें युवाओं से लेकर बुर्जुग तक हर उम्र वर्ग के तपस्वी शामिल है।
तपस्वी तेला तप के माध्यम से पूज्य गुरुदेव रूपचंद जी मसा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तेला तपस्या करने वालों के सामूहिक पारने होंगे। सामूहिक तेले पारने का लाभार्थी श्री गुलाबसिंह राजेंद्र कुमार सुखलेचा परिवार रहेगा। गुरुदेव रूपचंद जी मसा की जयंती पर गुणानुवाद कल रुधर केसरी मिश्री मल जी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में अष्ट दिवसीय गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव के तहत 26 अगस्त को पूज्य रूपचंद जी मसा की जयंती होने से गुरु गुणानुवाद कार्यक्रम होगा एवं सामूहिक तेला तप पूर्ण होगा। इसी तरह 27 अगस्त को सामूहिक तेला तप पारने के साथ सुबह 8:30 बजे से 65वां यंत्र जाप होगा। जन्मोत्सव के तहत 28 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से उवसगर स्तोत्र जाप एवं 29 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से श्री घंटाकर्ण महावीर जाप एवं श्रावक की 12 व्रत प्रतिज्ञा कार्यक्रम होगा।